भीमपुर ब्लॉक के लक्कड़जा में होशंगाबाद बाबई निवासी एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां कार सवार लोगों ने युवक को मारपीट के बाद खाई में लाकर फेंक दिया। पीड़ित युवक ने बताया कि वह होशंगाबाद बाबई का रहने वाला है। यहां वे डंपर से पाटाखेड़ा चिचौली रेत खाली करने के लिए आए थे और पाटाखेड़ा के पास बाबा ढाबा पर हम लोग भोजन करने के लिए रुके हुए थे। तभी वहां सफेद कार सवार लोग आए और उल्टी सीधी बातें करने लगे, जिसके बाद उन लोगों ने युवक को पकड़कर कार में बैठा लिया, जहां युवक रात भर खाई में पड़ा रहा। अरशद गफ्फार नाम का लड़का है, 24 साल का, होशंगाबाद का निवासी है। इसके साथ एक वारदात हुई है, ये कल रात 10 बजे के लगभग इसको एक लक्कड़जाम के पास एक ढाबे से उठाया गया, किसी दो युवक द्वारा कार में रखा गया और उसके बाद वहाँ से ले जाके इसके साथ लूटपाट हुई, मारपीट करके लक्कड़जाम के एक डैम के पास इसको फेंक दिया गया। वहाँ से आज सुबह 108 द्वारा और 108 एवं गाँव के वालों की मदद के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर एक लड़का है जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ है और 108 ने इसको हमारे तक लेके आया। जांच हुई, उसके बाद उससे बात करी गई, पुलिस को सूचना दी गई, MLC दाखिल करी इसकी और सूचना के बाद पता चला, ये पूरा मामला पता चला कि इसके साथ लूटपाट हुई है, मारपीट का मामला, फेंकने की वजह से इसको चोट आई है। ये एक बताया जा रहा है कि एक खाई में गिरा था लड़का, एक छोटी सी खाई थी जिसमें काफ़ी गहरी थी, पत्थर वगैरह थे, जिसमें इसको चोट आई है। चोट में हमने हमारे हॉस्पिटल में एक्सरे किए तो पैर में तो चोट नहीं है ज़्यादा, पर उसकी कमर की एक हड्डी जो स्पाइनल L3 बोलते हैं, L3 एक हड्डी होती है जिसमें फ्रैक्चर आया है। अब इस फ्रैक्चर के मैनेजमेंट के लिए उसको बैतूल रेफर किया जाए। थैंक यू। आज सुबह 11 बजे करीब CSC भीमपुर से एक व्यक्ति को लाइन की सूचना प्राप्त हुई थी 108 द्वारा, तो उसके प्राथमिक बयान दर्ज किए गए हैं। उसको 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारा गया है। के प्राथमिक बयान के आधार पर जो भी धाराओं में कार्रवाई होगी, अपराध पंजीकृत कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों ने युवक को एम्बुलेंस 108 की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां युवक को मारपीट कर खाई में फेंकने से कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, बैतूल।